नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले में त्योहार के चलते यात्री बसों में मनमानी किराया वसूली की शिकायतों को लेकर आरटीओ मनीष त्रिपाठी ने अनोखे अंदाज में वाहनों की चेकिंग की। बस में खुद यात्री बनकर सवार हो गए और वकायदे टिकट भी कटवाया। बस के ड्राइवर और कंडक्टर को जब बस में खुद आरटीओ के सवार होने का पता चला तो उनके हाथ पैर फूल गए। लगभग 2 दर्जन बसों पर जुर्माने की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। भैया जी, कितने बजे गाड़ी आएगी? 55 गाड़ी कितने बजे जाएगी? गाड़ी कितने बजे जाएगी? 55 5 बजे तक जाएगी। 5 बजे तक जाएगी। 5:55 में लेट जाएगी। 5:35 और ये कितने बजे जाएगी? कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? कितना किराया है? 250 रुपये। आरटीओ मनीष त्रिपाठी के द्वारा प्रभारी परिवहन सुरक्षा स्क्वाड के साथ हनुमना एवं चाकघाट चेक पोस्ट सहित कई जगहों पर एक साथ चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान रीवा, इलाहाबाद, मिर्जापुर, कटरा, नईगढ़ी, मऊगंज, सीधी, रायपुर, कर्शनियान मार्गों की बसों को चेक किया गया। दीपावली पर बसों में यात्रियों से अधिक किराए की वसूली की जा रही है। इसको लेकर परिवहन विभाग की टीम द्वारा यात्री बसों का निरीक्षण किया गया व यात्रियों से बातचीत कर किराए की जानकारी ली। इस संबंध में परिवहन आयुक्त एवं कलेक्टर के द्वारा कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। बसों पर जांच के दौरान महिलाओं की सुरक्षा तथा दिव्यांगों की सीट पर 50% किराए की छूट के संबंध में बस संचालक को निर्देश दिया गया तथा इस आशय का स्टीकर लगाए जाने के भी निर्देश दिए। आरटीओ व प्रभारी परिवहन सुरक्षा टीम के द्वारा 95 यात्री बसों की जांच की गई व किराया सूची चस्पा न होने, परमिट शर्तों के उल्लंघन एवं अधिक किराया लेने पर 26 यात्री बसों पर चालानी कार्रवाई की गई है व 32,000 का जुर्माना वसूला गया है। बस में यात्रियों से संपर्क किया गया तथा उनसे किराए के संबंध में जानकारी ली गई। नियम के विरुद्ध संचालन पाए जाने पर चालानी कार्रवाई के साथ साथ किराया सूची चस्पा कराई गई। कार्रवाई के दौरान अन्य वाहनों से 96,000 का राजस्व वसूला गया। बताया गया कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। और ये कहाँ लगाया है? ग्वालियर लगाया है।